तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं बजाज डिस्कवर 100 cc का पिस्टन रिंग के बारे में। और हमने ये सिलेंडर ब्लॉक किट न्यू लिया है। हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आया हुआ है और आपको ये भी बताएंगे कि इसका जो पिस्टन रिंग है, रिंग का गैपिंग कहाँ रखें, रिंग का सही फिटिंग कैसे किया जाता है। क्योंकि 100 cc का जो पिस्टन होता है दोस्तों बहुत ही छोटा होता है। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं पहले कि इसका जो पिस्टन है दोस्तों, ये देखिए ये पिस्टन है इसका 100 cc का। ये सबसे छोटा पिस्टन होता है दोस्तों, यानी एक हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे TBS का जो सुपर एक्सल है, आप उसी तरह आप समझ सकते हैं। तो बहुत ही छोटा पिस्टन है इसका। तो इसमें हमें जानना होता है कि हमें रिंग को कहाँ, रिंग की जो गैपिंग है वो कहाँ रखना होता है, और इसका जो गड्ढा सा जो निशान होता है कट वाला, ये थोड़ा टेढ़ा होता है और हमें इसका भी ध्यान देना होता है। क्योंकि और सब बाइक में ये सीधा होता है ऊपर नीचे, ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सीधा होता है ये कट का निशान, और इसमें दोस्तों टेढ़ा है। अब टेढ़ा देने का वजह भी बनता है कि इसका जो बल्ब लगता है हेड में वो भी टेढ़ा लगता है, इसलिए ये इसका पिस्टन का घाट टेढ़ा दिया हुआ है। और आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि पिस्टन की जो तीर का निशान होता है वो हमें कहाँ रखना है, ऊपर रखना है या नीचे रखना है, और जिसमें तीर का निशान नहीं है वो भी आपको बताएंगे उसे कैसे लगाना है। तो चलिए पहले हम इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट पैकिंग है, आप देख लीजिए। इसमें वैसे मैंने पहले इसका पहले सील मैंने ही खुद तोड़ रखा है, लेकिन इसके साथ बस जो है यही है, और एक केमिकल आता है वो मैंने रखा है निकाल के। आपको रेट भी बताएंगे कि कितना इसका MRP, कितना प्राइस है। इससे पहले मैंने दिखाया था 135 cc का। देखिए ये डायरेक्ट है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, बस एक पैकिंग दे दिया है ऊपर से और पैक कर दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि बजाज बाइक का जो पिस्टन सिलेंडर आता है वो साथ में लग के आते हैं, ये इसके अंदर साथ में रिंग वगैरह हर चीज़ सेटिंग करके देता है। अब हमें इसे खोलना है और देखना है कि इसका फिनिशिंग कैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो पिस्टन लगा हुआ है ये पिस्टन अभी उल्टा लगा हुआ है दोस्तों। हमें इस पिस्टन को हमें ऐसे घुमाना है, ये देख सकते हैं ये कट का निशान है, ये किधर है, ये सिलेंडर इस तरीके से रहेगा बाइक में। तो आप देख सकते हैं ये पिस्टन उल्टा लगा हुआ है, किधर भी इसका हम इधर इधर घुमाना पड़ता है मुझे, लेकिन हम इसे खोल कर देखेंगे कि इसका रिंग फिटिंग कैसा है, नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसका पिस्टन निकाल लिया है बाहर, और इसका जो रिंग फिटिंग है आप देखिए कि कैसा इसका रिंग फिटिंग किया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो रिंग लगा हुआ है आप यानी देख सकते हैं, टॉप वन टॉप टू हर चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो गैपिंग है, गैपिंग ठीक जगह पे नहीं है। हमें गैपिंग को सही रखना होगा कि कौन सा गैपिंग कहाँ पे रहेगा, टॉप वन कहाँ पे रखना है, टॉप टू को कहाँ पे रखना है, हमें असल ये देखना होता है दोस्तों, ठीक है। तो वैसे मैं आपको ये सारे रिंग खोल के मैं आपको बैठा के दिखाऊंगा। मैं आपको सारे रिंग खोल के दिखाऊंगा और इसमें फिटिंग करके कि हमें कहाँ पे रखना है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा रिंग फिटिंग करके आपको दिखाना है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक।
दोस्तों अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसका जो रिंग मैंने खोल दिया है, देखिए हमने यहाँ का अब रिंग को कहाँ कैसे लगाना है, गैपिंग को कहाँ रखना है। और बहुत से भाई यूट्यूब पे बोलते हैं कि इसका एम बनना चाहिए। दोस्तों इसका मैं साफ तौर पर मैं आपको खुलासा कर देता हूँ कि अगर इसका एम ना बने, अगर ये रिंग अगर ऐसे लग जाएगा तो आप जाहिर सी बात है दोस्तों इस पिस्टन में इतना भी ज़्यादा गैपिंग नहीं होता है कि ये रिंग टेढ़ा लगने के बावजूद भी ये बारीक वाला रिंग लग जाएगा। जब तक कि इसका दोस्तों एम नहीं बनाएंगे आप, इस तरीके से रिंग नहीं बैठेगा तो ये रिंग बैठने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि उतना जगह ही नहीं दिया हुआ है दोस्तों इसके अंदर जो रिंग बैठ जाएगा। अब ये रिंग देखिए कहाँ बैठता है, ये रिंग बैठता है इस रिंग पे। इस रिंग में आधा कटा हुआ ऊपर से क्या होता है, इसमें गड्ढा होता है, यहाँ पे घाट बना हुआ होता है कुर्सी जैसा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे घाट बना हुआ रहता है। अब पहले आपको मैं दिखा दूँ और इस रिंग का चौड़ाई देखें और इसका एक चौड़ाई, दोनों में अंतर होता है। ये रिंग जब हम इस पर लगाते हैं तो इसके ऊपर रहता है, इस स्प्रिंग वाले रिंग के ऊपर रहता है ये, ठीक है, देख सकते हैं आप बिल्कुल ध्यान से। देखिए ये रिंग ऐसे रहता है ना, कि आप ऐसे नहीं लगा सकते, अगर ऐसे लगाएंगे तो फिर यहाँ इसमें आने का नहीं है। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। देखिए पिस्टन में हमने चार निशान मारा है, एक यहाँ पे मारा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब इन चारों निशान पे ही हमें रिंग लगाना है। सबसे पहले तो ये रिंग हो गया। दोस्तों माफ़ करना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ हम अपना बड़ाई नहीं करते कि हम बड़े मिस्त्री हैं। देखिए तो ये रिंग जो मैंने लगाया दोस्तों, यहाँ पे एम खुद बना हुआ है। अगर ये एम नहीं बनता, अगर साइड में ऐसे हम लगाएंगे तो ये रिंग इसमें आने का नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जब तक एम नहीं बनेगा तो ये रिंग बैठता ही नहीं है, और जब ये रिंग नहीं बैठेगा तो ये पतला वाला रिंग भी नहीं बैठने का, उतना दोस्तों जगह नहीं होता है इसके अंदर। तो इसको हम बैठा देंगे ठीक से, तभी वो रिंग बैठेगा। ये बैठ गया अपनी जगह। अब इसका जो गैपिंग है, इसका गैपिंग हम यहाँ पे रख रहे हैं। ये हम ऊपर रख रहे हैं यहाँ पे। अब इस पतले वाले को, इसमें दोस्तों कोई कुछ नहीं है, लिखा हुआ नहीं होता है, टॉप वन टॉप टू आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे, अभी रिंग दोस्तों बैठा नहीं है, हमें अंदर वाले को बैठाना है ठीक से। तो दोस्तों अंदर जो स्प्रिंग वाला रिंग है, ऑयल वाला रिंग, वो हमने अच्छे से बैठा दिया है, इसका एम बन चुका है। और देखिए इसका जो गैपिंग है ये हम यहाँ पे रख रहे हैं, और जो ऑयल रिंग वाला है वो यहाँ पे है बीच में। अब दूसरे को हम यहाँ पे लगाएंगे। दूसरा हमने यहाँ रखा, एक यहाँ है और एक यहाँ है। और ध्यान रहे दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ पिस्टन हमें कैसे लगाना है। ये पिस्टन इस तरीके से रहेगी, ये जो तीर है ये नीचे रहता है।
अब देखिए टॉप वन ये टॉप टू, ब्लैक वाला टॉप टू है, ये टॉप वन है, ये ऊपर रहता है और ये चिकना होता है, ये सिलेंडर को स्क्रैच नहीं होने देता है, इस वजह से ये चिकना वाला रिंग ऊपर देता है। अब दोस्तों एक ध्यान देने की बात ये है कि हमें ये रिंग लगाने से पहले हमें इस रिंग को चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। हालांकि ये कंपनी का सिलेंडर है, गलत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी हमें चेक कर लेने में थोड़ी देर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इससे पहले भी हमने चेक किया था जो 135 सीसी का, जस्ट इसी तरह इसका उसका भी फिनिशिंग था, बस उससे ज़्यादा इसका बोर है मेरे ख्याल से, तो ठीक ठाक है। अब टॉप टू वाले को लगाएंगे और इसका जो लिखा हुआ है वो हमें ऊपर रखना है। टॉप टू वाले को हमें नीचे की ओर रखना है तीर के पास। कि हमने दोनों रिंग को लगा दिया टॉप वन टॉप टू को। अब ध्यान देने की बात यह है कि इस रिंग को हमें घुमा फिरा के देखना है कि रिंग फ्री है कि नहीं, चारों तरफ से कहीं बावरी वावरी तो नहीं है। तो दोस्तों देखिए अब पतले वाले रिंग को मैंने एक यहाँ पे रखा और एक मैंने यहाँ पे रखा, और जो मोटा रिंग है जो कंप्रेसर वाला जो ऑयल को कंट्रोल करता है, टॉप वन का इधर ऊपर है और टॉप टू का इधर नीचे है। ये टॉप टू का इधर नीचे है और टॉप वन इधर है ऊपर है, और हमें पिस्टन इस तरीके से लगाना है, ये नीचे की ओर रहेगी साइलेंसर की तरफ। अब सिलेंडर में हल्का ऑयल डाल देना है सर, और हम पिस्टन को लगा के आपको दिखा देते हैं। और दोस्तों आपको ये बताएंगे इसका एमआरपी कितना है, रेट कितना है इसका। दोस्तों देखिए ये हमने नीचे रखा, सिलेंडर इस तरीके से लगेगी। तो दोस्तों मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया आपको, अब अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, डिस्कवर का फुल इंजन को कैसे फिटिंग करना है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।